हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किशोर शेखावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर, और आज हम गुरुनीति की यूनिट 10th डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। दोनों जो टॉपिक हैं नीट की रिगार्डिंग अच्छा वेटेज रखते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस हर साल पूछे भी जाते हैं। तो करते हैं शुरू। शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि जैसा कि इसका थीम ये रहा कि हम लोग जितने यहाँ पे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस के आसपास और क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, उनके आसपास की थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, प्रयास करेंगे। और अक्सर आप देखते हैं कि जब नीट का पेपर आता है तो इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी तरह के कॉन्सेप्ट वो रिवाइज होते हैं। तो क्यों ना जो क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं उनके आसपास की थ्योरी और क्वेश्चंस जो हैं जैसे आपके हैं वैसे के वैसे उस रूप में अन्य जो क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के, और तो अगर इतने कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ठीक से जम जाते हैं तो मान के चलें आपका स्कोर जो है वो थोड़ा आपके ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से वो काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है, और जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने वाला होता है वो सिलेक्शन की रेंज में आ जाता है, और जो बच्चा अच्छी रैंक में है उसकी रैंक और अच्छी हो जाती है। तो ये कुछ प्रयासों की एक श्रृंखला है जो बॉस के लगातार अपने नए नए जो विजन होते हैं उसी की एक कड़ी थी, जिसको अपन लगातार अनवरत तय करते आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि दो पॉइंट चार्ज हैं ए और बी, चार्ज उनके हैं ए का प्लस का क्यू है, एक माइनस का क्यू है, दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और उनके बीच कोई फोर्स लग रहा है एफ। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ए जो चार्ज है उसका 25% है ना, वो हम बी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसा करने के बाद अब उनके बीच फोर्स कितना रह जाएगा, ये हमको पूछा जा रहा है। तो ध्यान करें, क्वेश्चन इस तरह से है कि जैसे मान लो यहाँ पे दो चार्ज हैं और इसको अपन कह रहे हैं Q1 चार्ज, ये कौन सा है Q2 चार्ज, और इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए कितना है d मान लेता हूँ। तो इनिशियली आपको बोला गया Q1 है प्लस Q और Q2 है माइनस का Q, ठीक है। और बाद ही कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि डिस्टेंस को आपने अनचेंज रखा है, d इक्वल टू d है, पर Q1 का 25% आपने Q2 को ट्रांसफर कर दिया, तो इस Q का 25 का मतलब क्या हुआ, Q इंटू 25/100, इसका मतलब रहा Q/4। तो अगर इसमें से अपन Q/4 चार्ज इसको ट्रांसफर करेंगे जो कि प्लस है, तो अभी इसके पास जो Q1 चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, प्लस का Q पहले से था, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं कितना Q/4, और इसके पास कितना आ चुका है, ये Q2 बन गया जो माइनस Q पहले से था, और उसके पास कितना ऐड हो चुका है Q/4 जो कि प्लस का है, ये प्लस का था, इसका 25% यानी Q/4, ये माइनस का Q है, इसमें ऐड कर दिया जाए तो अब फाइनली हमारे पास ये चार्ज कितने हो जाएंगे। तो उसको अपन देखें, तो प्लस का क्यू में से घटाओ माइनस का क्यू बाई फोर, तो रहा आपका प्लस का 3Q/4, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का कैसा 1 है, प्लस का कितना 1/4, तो ये माइनस का 3Q/4। ओके, ये इनके बाद के चार्जेस हैं। अब क्वेश्चंस जो मोस्टली आप डिस्कस करते हैं, तो आपने यहाँ पे डिस्टेंस को तो रखा है कॉन्स्टेंट और केवल चार्जेस को अपन वेरी किया है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं एफ इज इक्वल टू होता है के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, या डी को तो अपन डी मान लेते हैं, डी स्क्वायर कर देंगे, के कांस्टेंट है तो इसकी के को कांस्टेंट मान ले, आर को अपन माने यहाँ पे कांस्टेंट, तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया Q1 इंटू Q2, इसको लिखा जाए ऐसे F डेस अपॉन F इज इक्वल टू
क्या कर दूं, क्यू वन डेज इंटू क्यू टू डेज अपॉन क्यू वन इंटू क्यू टू। क्यू वन क्यू टू पहले के चार्जेस हैं, क्यू वन डेज क्यू टू डेज कौन से बाद के चार्जेस हैं। वैल्यू पुट किए जाएं तो क्यू वन क्यू टू, अभी हम केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, साइन यहां पे सारे कैसे प्लस दे रखे हैं, कोई इश्यू है नहीं। तो ओनली आप इसके मैग्नीट्यूड पुट करें, कोई इश्यू नहीं है साहब। तो अपने यहां था फोर्स, तो क्यू वन कितना क्यू, दूसरा भी कितना क्यू, ये आपका है 3/4 क्यू और इनटू कितना 3/4 क्यू। पहले भी दोनों फोर्स कैसे थे, पहले दोनों चार्ज कैसे, एक तो प्लस एक माइनस का था, फोर्स की नेचर कैसी अट्रैक्शन की थी, अभी भी एक प्लस एक माइनस है, उसके बाद भी कैसी अट्रैक्शन की ही नेचर रहेगी। तो जो एफ यहां पे दे रखा है एफ, ये अट्रैक्शन नेचर का फोर्स है, बाद का भी अट्रैक्शन का ही आएगा, तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना हो 9/16, 9/16। तो आप ये कह सकते हैं कि एफ डेस इज इक्वल टू 9/16 टाइम्स ऑफ एफ, ये आपका फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे है क्वेश्चन, ये दो पिथ बॉल हैं, दोनों पे कैसे इक्वल चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज, कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। दो ये स्ट्रिंग है, दोनों की लेंथ है बराबर है, और चार्ज भी कैसे आपस में बराबर है, और उनको इस तरह से आपने फिक्स किया हुआ है। तो क्वेश्चन देखो इस तरह का है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए ये कोई एक रिजिड एंड है, फिक्स्ड एंड है, और यहां से अपन दो इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग को यूज करते हुए, दो चार्ज इनको अपन, दो ये मान लो पिथ बाल है, इनको अपन चार्ज दे रहे हैं, चार्ज कैसे इक्वल है, मान लो इसको चार्ज हमने दिया क्यू और इसका मास है स्मॉल एम, इसका भी चार्ज कितना है क्यू, मास है स्मॉल एम, तो चार्ज के इक्वल होने से और एक ही तरह के नेचर के होने से इनके बीच कूलाम फोर्स कैसा है, रिपल्सन का, तो किसी फाइनल डिस्टेंस पे रहेंगे। अभी हाल फिलहाल अगर अपन एक पे फोर्स चेक करें, तो यहाँ फोर्स एक लग गया एम जी, ठीक है जी, और इन दोनों के बीच में कूलाम फोर्स लग गया रिपल्सन का एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और रस्सी का तनाव है तो ये हो गया आपका टी टेंशन फोर्स। यदि इस एंगल को अपन थीटा मान लें और इसको भी इसके पैरेलल यहां मान लो कर दूं, तो एंगल थीटा इसके इक्वल हो जाएगा। टेंशन को अगर अपन करें रिजॉल्व, घटकों में तोड़े, तो इस तरफ घटक क्या हो जाएगा, एंगल की तरफ कौन सा हुआ, कॉस टी कॉस थीटा, और ये हो गया बेटे जी टी साइन थीटा, टी कॉस और टी साइन। अब इनको अपन इक्वल करेंगे देखो, और आप जानते हैं यहां पे चार्ज कैसा इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस में है, तो आप देख सकते हैं इसमें फोर्स आपस में बैलेंस करेंगे, ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो अपन लिखें टी साइन इक्वल टू दिस टी कॉस अपॉन दिस, इसको मान ले फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान ले सेकंड इक्वेशन, और टी साइन अपॉन टी कॉस, टी से टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होगा टेन थीटा। तो आप देख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है एफ ई अपॉन एम जी। अगर हम इन दोनों के बीच के सेपरेशन को अक्स मान लें, तो ऐसे में कूलाम फोर्स कितना देखो होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन अक्स स्क्वायर, और ये एम जी पहले से है, ये दोनों के बीच, और ये बहुत बड़ी कंडीशन है, सिंपल कंडीशन है, हमको याद रखनी चाहिए, पर वो तभी है जब वर्टिकल से आप एंगल कितना ले रहे हो थीटा, वर्टिकल से थीटा एंगल जो कि इक्विलिब्रियम का एंगल है, टेन थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी कर देंगे, ठीक है। अब सुनो, यहां जो क्वेश्चन आपका था उसमें ये कंडीशन आपके पास फुलफिल है कि टेन थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी। क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन में था कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये डिस्टेंस कितनी है, वाई है, दोनों पार्टिकल या दोनों पिथ बॉल कैसे आर सेपरेशन पे हैं, तो अगर इस एंगल को अपन थीटा मान लें, ठीक है, तो थीटा मानने पर यहां फोर्स वही एफ ई, नीचे कौन सा एम जी, टेंशन फोर्स, और इसकी जो कंडीशन अपन लिखना चाहेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, देखो एफ ई बाई एम जी।
क्लियर। यदि इनकी वैल्यू को पुट किया जाए, ध्यान करें थीटा के सामने ये जो साइड आपको दिख रही है इसको अपन ट्राइंगल मान लें, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये टोटल कितना आर आर बाई टू, ये डिस्टेंस कितनी भी आर बाई टू, और ये कितना है इसका वाई। तो थीटा के फ्रंट पे कौन होता है परपेंडिकुलर, ये कौन सा है बेस, तो आर बाई टू इसका परपेंडिकुलर है, बेस कितना है इसका वाई। तो टेन की और इन सब की वैल्यू पुट की जाएगी, तो ध्यान करें आप लोग टेन थीटा क्या हो गया, देखो टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, आर बाई टू अपॉन वाई, तो आर बाई टू वाई, आर बाई टू वाई इज इक्वल टू, जो इसकी वैल्यू हमारे पास थी, इसकी हमारे पास वैल्यू थी आर के टर्म में पर लिखोगे ना तो ये हो गई थी के क्यू स्क्वायर अपॉन, पीछे मैंने इसको एक्स मान रखा था, इसको आर दे रखा है तो ऐसे कर दूंगा आर स्क्वायर एम जी। अब केवल चेंज किया क्या कि पहले कंडीशन ये थी, आपने कंडीशन बदल दिया ऐसे, तो आप देखो ये आर का स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब और ये वाई अलग है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। तो यहां से ध्यान करें तो आर की पावर थ्री प्रोपोर्शनल टू कितना है वाई, ठीक है, और इससे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू हो गया वाई की पावर वन बाई थ्री। वाई को हमने चेंज किया, पहले वाई कितना था वाई, अब इसको यहां से यहां तक अपने शिफ्ट कर दिया तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रही वाई बाई टू रही। अब वाई बाई टू होने पर, वाई बाई टू होने पर आर कितना होगा वो हमको बताना है, तो बिल्कुल इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, देखो कि आर डेस अपॉन आर इज इक्वल टू वाई डेस अपॉन वाई जिसकी पावर है वन बाई थ्री, वाई डेस कितना हुआ वाई बाई टू, तो वाई बाई टू अपॉन वाई और इसकी पावर भी वन बाई थ्री, वाई से वाई कैंसिल वन अपॉन टू, तो ऐसा कर सकते हैं वन अपॉन टू की पावर वन बाई थ्री, टू बाई टू की पावर वन बाई थ्री यानी इसका जो क्यूब रूट हो गया, तो इसको ऐसा भी लिखते हैं ना वन अपॉन ये रूट ऑफ टू, पर क्यूब रूट है इसलिए इसको अपन यहाँ थ्री के साथ लिखेंगे। तो ऐसे में आपके पास जो आंसर बनेगा वो आप देख सकते हैं आर डेस इज इक्वल टू कितना आर अपॉन क्यूब रूट ऑफ टू, क्यूब रूट ऑफ टू, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका डन है। अब इसमें हमेशा याद रखना है, रखना इस प्रकार के बैलेंस केस में कि टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, जिसमें ये मस्ट है थीटा इज एंगल ऑफ स्ट्रिंग विद वर्टिकल, ये ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया कोण है, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं आगे, अपन पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यहां बोला जा रहा है कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय द टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ स्मॉल एल, वो सारी कहानी वैसी की वैसी है और उनके बीच का सेपरेशन कितना डी है और दोनों में म्यूचुअल रिपल्शन फोर्स लग रहा है, इसका दोनों चार्ज कैसे हैं लाइक चार्ज हैं, दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स, यानी कंडीशन तो कैसी है कि वही क्वेश्चन है, ये दो स्ट्रिंग थी दोनों इक्वल लेंथ ये है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है आपके पास डी है, ये ठीक है। और अभी इनिशियली कंडीशन कैसी है, बैलेंस कंडीशन, तो अपन जानते हैं बैलेंस कंडीशन में टेन थीटा इज इक्वल टू कितना था जी एफ ई बाई एम जी, ठीक। अब क्या कर रहा है कि इससे चार्ज है वो लीकेज होना शुरू हो गया, इससे चार्ज लीकेज हो रहा है, चार्ज इससे भी लीकेज हो रहा है, चार्ज बाहर निकल रहा है, जब चार्ज लीकेज होगा तो दोनों पे चार्ज क्या हो जाएंगे डिक्रीज, चार्ज के डिक्रीज होने पर इन दोनों के बीच लगने वाला कूलाम रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा घट जाएगा, और कूलाम रिपल्सिव फोर्स के घटने पर, फोर्स के घटने पर ये क्या करेंगे कि जैसे अभी अपन चेक करें नीचे फोर्स आपका एम जी लग रहा है, ये फोर्स आपका जो पहले रिपल्सन का फोर्स था वो घट रहा है, रिपल्सन कम हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि नीचे फोर्स आपका एम जी था, ये फोर्स एफ ई था, कूलाम फोर्स अट्रैक्शन का टेंशन फोर्स टी था, जितना ये रिपल्सन ज़्यादा था ये दूर दूर थे, और जैसे जैसे चार्ज लीकेज होना शुरू हो जाएगा एफ ई कम होना शुरू हो जाएगा और ये चार्ज पार्टिकल्स धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाएंगे,
तो ऐसे में इनकी वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगी, अप्रोच यानी पास आने का अपेक्षित वेग हो जाएगा। और जब पास आने की कंडीशन में रहेंगे तो हमें पूछा जा रहा है कि जिस समय इनके बीच की दूरी अक्ष है, अब बदलना शुरू जाएंगे, जिस समय इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है अक्ष, उस समय इनका जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद ए वेलोसिटी ऑफ वी, ये दोनों एक दूसरे तरफ वी वेग से आना शुरू हो जाते हैं, तो किसी समय अक्ष जब इनकी दूरी है उस समय इनका वेलोसिटी अक्ष के टर्म्स में कितना है। और कृष्ण ने साफ साफ लिखा है कि दोनों से चार्ज है वो एक सेम रेट से लीकेज हो रहा है, आवेश के क्षय होने की दर, आवेश की लीकेज होने की दर कैसी है वो बराबर है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, केवल इसी को मैं यूज कर रहा हूं, टेन थीटा, पर इसमें टेन थीटा होगा क्या, देखो यहां ये थीटा था और टेन थीटा की वैल्यू अपन यहां से अगर लिखते हैं तो जरा गौर करें, हमारे पास तो ये ओनली लेंथ है एल और एक्स इनके बीच का सेपरेशन है, तो टेन थीटा इक्वल टू, जैसे थीटा के छोटा होने पे, डी बहुत छोटा है तो थीटा इसमें क्या हो गया स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल होगा, थीटा के स्मॉल होने पे अपन जानते हैं कि टेन थीटा है वो अप्रोक्स साइन थीटा के बराबर हो जाता है, और वो भी कैसा है, थीटा के इक्वल हो जाता है। और साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो इसमें हमें इसको ऐसे कर सकते ना, ये पूरा डिस्टेंस अक्ष है तो अक्ष बाई टू हो गया, अक्ष बाई टू अपॉन एल, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं यहां से टेन थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी से, जरा गौर करें, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये हो गया आपके पास अक्ष अपॉन टू एल इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, हम लोग जानते हैं ये था आपके पास के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी, तो एक्स की पावर दो और एक पावर ये, तो इसको ऐसे कर सकता हूं क्या, एक्स की पावर थ्री प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर थ्री, या ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि क्यू प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर थ्री बाई टू। अब चूंकि चार्ज इक्वल रेट से लीकेज होना शुरू हो रहा है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, यदि इसको अपन टाइम के साथ करें डिफरेंशिएट, तो समय के साथ इसका आकलन करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कर रहे हैं पर ध्यान रखना टाइम के रेस्पेक्ट में, तो पावर को अपन आगे ले आते हैं थ्री बाई टू, एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस वन कितना हो गया वन बाई टू इन टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब हो गया वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी, डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज जो कि कॉन्स्टेंट है, इसको अपन R मान सकते हैं, ये इसको अपन R कह सकते हैं, ये R एक कांस्टेंट है, और इज इक्वल टू कितना 3 बाई टू, ये भी कांस्टेंट है, और x की पावर 1 बाई टू इंटू वी, हमको पूछा है तो V है वो x पे डिपेंड कैसे कर रहा है, R भी कांस्टेंट है 3 बाई टू भी कांस्टेंट है, तो V यहां से अपन निकालें तो देखो ये हमारे पास आ रहा है V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x की पावर 1 बाई टू, यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर कितनी माइनस की 1 बाई टू हो जाएगी, तो v x की पावर माइनस वन बाई टू के प्रोपोर्शनल है। ओके नेक्स्ट देखो, यहां पर अब जो अगला पोर्शन है उसमें जो गॉस के नियम के एप्लीकेशन हैं, गॉस के नियम के क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे, परंतु जो गॉस के नियम से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं चालक गोले का, कंडक्टिंग स्फीयर का, एच चालक गोले का, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, जो कि होलो है सॉलिड है, या जो इनफाइनाइट लेंथ की जो आपके चार्ज होते हैं लीनियर चार्ज होते हैं उनका अपन ये निकालते हैं, उनके क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इट इज गिवन बाय दिस, यानी कोई सर्टेन रीजन है वहां पर E है वो कैसा है ए आर, यानी ई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पाया जाता है किसी ठोस एच आलक गोले के अंदर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर ऐसा E पाया जाता है। तो आप जानते हैं नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर होता है उसमें जो हम लोग E पढ़ते हैं, तो जैसे देखा ये मान लो अपने पास ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें चार्ज मान लो प्लस का है, और चार्ज के प्लस होने पर इसका जो ई हम लोग पढ़ते हैं वो ई होता कैसा है, इसका सेंटर है मान लो आर, इसकी रेडियस है, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो ई है उस ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं, हमको दे रखा है कितना ई, इज इक्वल टू है ए आर, जबकि एच आल गोले में जो ई होता है वो होता है क्या है के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, तो के को हम लिखते हैं वन अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टोटल चार्ज इनटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। आर क्या उसकी रेडियस, और रेडियस हमको दे रखा है ए, तो करते हैं इसको ए क्यूब। अब ज्यादा कोई लफड़ा ही नहीं है, केवल इसको कंपेयर करना है, और दोनों को कंपेयर करोगे, आर से आर को कंपेयर किया तो ए इक्वल टू दिस। तो आप देखो कंपेरिजन से हमारे पास वैल्यू आ रही है ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए क्यूब, जिससे इजीली हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं क्यू इज इक्वल टू ओनली मल्टीप्लाई करना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए और ए की पावर 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर गिवन ए चार्ज कैपिटल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रेस्पेक्टिवली आर। तो हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी आर रेडियस है, और इसको अपन ने चार्ज दे रखा है कैपिटल क्यू। तो हमको सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसके सेंटर पे ई कितना होता है, तो सेंटर पे ई हम लोग जानते हैं 0 होता है, जबकि इसका सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वी सेंटर वो जस्ट कितना होता है वी सरफेस के इक्वल, और वी सरफेस कितना होता है के क्यू बाई कैपिटल आर या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो इसका राइट आंसर आपका हुआ 0। एंड पहले हमको पूछा है इसमें पोटेंशियल, उसके बाद फील्ड, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड 0, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट पे, आइए साहब अगला है ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी 10 सेंटीमीटर है, उसका अपने को चार्ज दे रखा है, चार सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। तो आपसे पूछा है कि इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर उसका खुद का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर पूछा सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे, तो 15 सेंटीमीटर 10 से बड़ा है, तो ये पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड स्फीयर है कि सरफेस पे है कि इनसाइड है, आउटसाइड स्फीयर है, और आउटसाइड स्फीयर अपन निकालते हैं ई, तो ई आउट इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ स्मॉल आर है वो कैपिटल, जो कैपिटल आर से बड़ा है, और के हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻⁹, क्यू चार्ज हमको दिया हुआ है कितना, देखो 3.2 × 10⁻⁷ अपॉन आर स्क्वायर, आर है 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 10 की पावर कर दो माइनस का 2, इसका अपन करें स्क्वायर, तो ऐसे कर देंगे 15 × 15 × 10⁻⁴। ये आपका न्यूटन पर कूलम में एसआई सिस्टम में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाना चाहिए। इसको अपन सॉल्व करें, तो ऐसा करते हैं देखो कि इसको अपन या 10 से मल्टीप्लाई और 10 से मैंने कर दिया डिवाइड, तो 15 से इसको अपन डिवाइड करें, 15 × 6 कितना होता है 90। अगेन इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई 10 से करता हूँ डिवाइड, तो 15 से फिर इसको मैंने एक सेकेंड मैंने क्या कर दिया 15 × 6, तो 6 हुआ ना 6, फिर इसको फिर मैंने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया, तो 60/15, तो 15 × 4 कितना होता है 60, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से 4 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है साहब। अब देखिए बहुत इजी हो गया कि ये 3.2 × 4, तो ये हमारे पास वैल्यू है 4 × कितना हुआ 8, 4 × 3 कितना हुआ 12 है, तो 12.8 ठीक है × 10⁻⁴। तो 10 की पावर अपन चेक करते हैं, तो यहाँ अगर इसको जो प्लस की 2 पावर है माइनस की 2 रह जाएगी यहाँ से, अच्छा जी माइनस 2 को अपन ऊपर ले जाएं बढ़ा दें उसको, तो कितना हो गया ये 11 माइनस 7 कितना 4, तो ये 4 हो गया, तो 1.28 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है पढ़ते नेक्स्ट पे, देखो अगला क्वेश्चन उसी तरह का ही है। ये होलो मेटल स्फीयर, होलो जो मेटल स्फीयर होता है उसके अंदर अपन जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका ग्राफ जो आप देखते हो यदि उसका मैग्नीट्यूड अपन चेक करते हैं, तो आप इसके अंदर अपन जानते हैं कि पहले तो ई जीरो होता है,
और सरफेस से मैक्सिमम होता है, उसके बाद होता है डिक्रीज ग्राफ, ऐसा पाया जाता है। तो क्वेश्चन में स्मॉल आर डिस्टेंस है, यानी यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस जो है उसको अपन वेरी कर रहे हैं। तो दो केस हैं, एक तो इनसाइड एक आउटसाइड। जब इनसाइड वाला पॉइंट है तो जिस समय आर की वैल्यू कैसे छोटी है, और आउट वाले पॉइंट के लिए आर कैसी है बड़ी है। ध्यान करें कि स्मॉल आर जब कितना कैपिटल आर छोटा है, उस समय इस आर को अपन इंक्रीज करेंगे सेंटर टू सरफेस, तो ई कितना है जीरो है। इसके बाद यानी आर मोर देन कैपिटल आर है और फिर अपन आर को बढ़ा रहे हैं, तो ई कैसा घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो पहले तो ई कितना जीरो, उसके बाद क्या होगा डिक्रीज जीरो। एस आर इंक्रीजेस फॉर दिस, यानी आर छोटे होने पर डिक्रीजेस एस आर इंक्रीजेस फॉर दिस, तो पहले जीरो रहेगा फिर बाद में घटेगा। तो राइट आंसर इसका हो गया फोर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, यहां पर भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपको दे रखे हैं। दो कंडक्टिंग हमारे पास वायर है और दोनों के लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा प्लस और माइनस का लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2R, ठीक है। दोनों और दोनों हैं कैसे, इनफाइनाइट लेंथ के, और आपको पूछा ठीक मिड वाले पॉइंट पे, मिड वे बिटवीन दैट टू लाइंस। दोनों के ठीक मिड में प्लस का है तो इसका ई इस तरफ होगा, माइनस का है दूसरा, माइनस का है चार्ज, तो चार्ज के माइनस होने पर ई कैसा चार्ज की तरफ होगा, तो इस तरफ आ गया। दोनों ई वन और ई टू दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो नेट ई क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा। तो ई नेट इक्वल टू टू ई वन कर देता हूं, टू ई वन कितना है 2k λ/r। तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, 4k λ/r, k को अपन थोड़ा सा कर देते हैं एक्सटेंड, तो 4λ/4πε0 × r। पर r की वैल्यू है कितनी, यहां जो स्मॉल r अपन डिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो कितनी, ठीक इसकी आधी हो जाएगी, तो 2r को अपन r कह सकते हैं और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर है λ/πε0 × r, λ/πε0 × r। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स रेडियस r1 r2 हैव इक्वल चार्जेस, देन पोटेंशियल वुड बी, दोनों के चार्ज दे रखे अपने को बराबर, तो उनके पोटेंशियल कितने होंगे वो हमको पूछे जा रहे हैं। तो देखें कि कंडीशन क्या है, दो कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों के चार्ज कैसे इक्वल हैं तो अपन जानते हैं, और पूछा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है सरफेस पे, वो होता है KQ/r। हमको कहा जा रहा है चार्ज क्यू कैसा है, कॉन्स्टेंट। चार्ज क्यू के कांस्टेंट होने पे वी प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/r, वी 1/r, जिसका आर कम होगा यानी स्मॉल जो रेडियस वाला है उसका वोल्टेज ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस बड़ी है उसका वी कम होगा। मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, छोटा स्फीयर है उसका पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड बाई ए वायर, वायर से जोड़ रखा है, तो वायर का कनेक्शन होते ही दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट या इक्वल हो गया, तो सेम पोटेंशियल हो जाएगा। देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द स्फीयर्स, तो आपको सिग्मा की वैल्यू पूछिए साहब। सिग्मा इक्वल टू होता है क्या, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज हम एक बार मान लेते हैं कैपिटल क्यू अपॉन इसका एरिया, तो कोई भी हमारे पास एक स्फीयर होगा जिसकी मान लो आर रेडियस होगी, उसको अपन चार्ज कैपिटल क्यू मान लें, तो ऐसे में इसका सिग्मा कितना है, चार्ज अपॉन एरिया 4πr का स्क्वायर, इस पर स्फीयर है और इसकी आउटर सरफेस का एरिया कितना होता है 4πr2। अब कंडीशन क्या है कि वी कॉन्स्टेंट है, तो अपन इसको ऐसे करते हैं, देखो कि इस आर को ब्रेक कर देता हूँ ना, तो इसको कर रहा हूँ 1/r, आर का स्क्वायर था मैंने ब्रेक कर लिया, क्योंकि वी जो है ना, वी एक्चुअली होता क्या है, V होता है KQ/r, तो KQ/r के स्थान पे अपन V रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कमी और है, इसको मैं एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे डिवाइड भी कर दूं, और ऐसा करने के बाद आप जरा गौर करें कि ये जो पोर्शन है, देखो आप Q अपॉन 4πε0 × r, ये बन गया पोटेंशियल। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, V कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है,
तो सिग्मा यहां हो चुका है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, तो सिग्मा 1 बाई टू क्या हो जाएगा, आर टू बाई आर वन। तो यहां जैसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, आपसे पूछ जाता है कि दो स्फीयर हैं, उनको आपने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, दोनों को आपने टच करा और फिर आपने सेपरेट कर दिया, तो इन सारे क्वेश्चन में वी कॉन्स्टेंट रहेगा, और वी कॉन्स्टेंट रहेगा तो जो भी आपको निकालना है, ई निकालना है, मान लो आपसे पूछा कि ई का रेशियो क्या रहेगा, तो हम ई कैसे ज्ञात करते हैं, ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ब्रेक कर दो इसको आप, कर दो 1/r, क्या बन चुका है v, तो v बाई आर हो गया, तो इसका भी रेशियो वैसे आएगा, समझ रहे हैं ना। तो जहां वोल्टेज कांस्टेंट है तो आप वहां करना ही पड़ेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट करके आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका आंसर है वो प्रॉपर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, उनके बेस से क्वेश्चन है, उनको अपन चेक करते हैं। तो आप ये पढ़ते हैं साहब कि ई इजिकल टू होता है माइनस का dv बाई डी आर होता है, और वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ई इजिकल टू माइनस का dv बाई डी आर और इंटू आर केप, आर केप यहाँ पे डायरेक्शन शो करेगा, और इसमें अपन ये जानते हैं यहाँ जो माइनस ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, when we go in the direction of electric field then potential decreases। तो आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे अपन जा रहे हैं इस तरफ, तो जैसे बी से सी गए, सी से अपन ए जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे पार्ट में कैसा यूनिफॉर्म है, बट ई की तरफ जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो इसी को अपन माने ऐसे, तो एक तो है वी बी, एक कौन सा आपका वी सी, और एक है वी ए, हम कह रहे हैं ई के अलोंग जाने वोल्टेज घट रहा है तो लगातार घटेगा साहब, तो सबसे कम कहां पर है ए पे, सबसे अधिक कहां पर है बी पर, मैक्सिमम एट सी रॉन्ग, सेम एट ऑल रॉन्ग, मैक्सिमम एट ए रॉन्ग, मैक्सिमम एट बी, सबसे ज्यादा कहां पर है बी पर है। नेक्स्ट पहुंचते हैं, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम ऑफ दिस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। ये कह रहा है कि एक छोटा सा कोई स्पेस है जिसका वॉल्यूम दे रखा है, उस पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल कैसा इक्वल है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो अभी हमने कहा ई जो होता है माइनस का कितना डीवी बाई डी आर इंटू आर के, डीवी बड़े चेंज के लिए इसको मैं माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इंटू आर के कह सकता हूं, तो डेल्टा वी है क्या, चेंज इन पोटेंशियल। अब चूंकि यहां तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो डेल्टा बी जीरो हो गया, और डेल्टा बी के जीरो होने पे, डेल्टा बी अगर जीरो है, ये अगर जीरो ही है तो निश्चित रूप से यहां पर ई जो हम लोग फाइंड करेंगे ई भी कैसा आएगा, जीरो आएगा, डन, तो शून्य हो जाएगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन दे रखा आपने को कि 6 चार्ज हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस सब चार्ज, तो नेट चार्ज कितना है, जीरो। पर बोला गया है कि इन सारे चार्जेस को हमने एक क्यूब जो है उसकी सारी साइड्स पर जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है उस तरह से पुट कर रखा है, और फिर कहा जा रहा है कि एक क्यू नोट चार्ज को, एक क्यू नोट को चार्ज है, मान लो यहां पर एक क्यू नोट चार्ज है, उसको लेके आ रहे हैं पर इनफाइनाइट से इस क्यूब के सेंटर पे, तो हमें कितना वर्क डन करना होगा, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज दिस, तो हमको कहा जा रहा है कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाने में कितना बाहर से कार्य करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन। तो अब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होता है वो है एक्चुअली क्या, डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसको अपन लिख सकते हैं एक तरह से पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहूं तो क्यू इन टू कर दूंगा डेल्टा वी, यानी वी कौन सा फाइनल माइनस वी कौन सा इनिशियल, ये पोटेंशियल है, विभव है, ये आरंभिक विभव कौन सा, अंतिम विभव। अब चूंकि इनिशियली पॉइंट कौन सा आपका है, इनफाइनाइट, और यहां पर वोल्टेज जो है ना वी इनिशियल कितना है, जीरो, सेंटर पे इन चार्जेस का है, ओपन चेक करेंगे तो वी इनिशियल तो कितना हुआ, जीरो, वी फाइनल अपन निकालेंगे इसके सेंटर पे। अब देखो सारे चार्ज सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, ऐसे में इस पॉइंट का जो पोटेंशियल अपन निकालेंगे वी फाइनल, सारे चार्ज सेंटर सेम डिस्टेंस पे, तो के कर दूं के समेशन क्यू बाई, मान लो डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो है ना सेंटर वाली, इसको मैं चलो ए मान लेता हूं, तो बाई ए, पर समेशन क्यू तो जीरो हो गया ना, और समेशन क्यू के जीरो होने से यानी सारे चार्ज सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं,
वो सभी का अपन वोल्टेज निकालेंगे, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर सब वी फाइव वी सिक्स सब आपस में इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो के बाई के के अपन एम एन कॉमन ले लिया और सारे चार्ज को अपन ऐड कर दें और समेशन कितना जीरो, तो वी फाइनल भी जीरो हो गया, तो दोनों ही जीरो हैं, जीरो माइनस जीरो जीरो, तो वर्कडन कितना करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, वी इन वोल्ट एक्स वाई जेड आर इन मीटर्स, और पूछा हमसे ये है कि एक पॉइंट है जिस पर दो कूलम चार्ज रखा गया है तो उस पर कितना फोर्स लगने वाला है, तो ये तो कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। हमेशा जब भी क्वेश्चन आप करें तो आपको फाइंड करना क्या है उसको पहले चेक करा करो, उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो सकता आपका, मान के चले आप। देखो जैसे आपसे पूछा है इस पॉइंट पे चार्ज रखा है उसे फोर्स निकालना, तो फोर्स F इक्वल टू होता है क्या है, क्यू इन टू ई, ई तो मालूम नहीं है, क्यू कितना है टू इन टू ई, अगर ई अपन निकाल लेते हैं तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फोर्स, और ऑप्शन कैसे हैं सारे फोर्स कैसे हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो अपने को फोर्स का चाहिए मैग्नीट्यूड, तो ई का भी क्या चाहिए जस्ट मैग्नीट्यूड, तो ओनली ई फाइंड करना। अब ई के तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, ई एक्स आई के और प्लस कौन सा ई वाई जे के और प्लस कितना ई जेड के। अब वी से अपन ई निकालते कैसे हैं तो आप जानते हैं, यहां करना पड़ेगा अपने को आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें अपन ई एक्स निकालेंगे ई वाई निकालेंगे उनको पुट कर देंगे और उनका भी मैग्नीट्यूड लेते हुए अपन उसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फोर्स आ जाएगा। तो देखो यदि सबसे पहले अपन निकालते हैं ई एक्स, है ना, ये जानते होंगे आप शायद कि ई एक्स इक्वल टू है क्या माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स, और वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आई के डेल यहां पे क्या शो कर रहा है आंशिक अवकलन, यानी जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वाई और जेड कैसे कांस्टेंट मानना है, और वाई के सापेक्ष करोगे तो एक्स और जेड को मानना है कांस्टेंट, और जेड के सापेक्ष करोगे तो एक्स और वाई को अपने को कांस्टेंट मानना है। तो आइए साहब ई एक्स इक्वल टू माइनस, तो जो फॉर्मूला है उसका मैं ले रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्शन डायरेक्ट, तो देखो सिक्स एक्स का कितना हुआ सिक्स माइनस एट वाई, एट वाई मैं यहां से लेता हूं बाहर, और x का हो गया वन, एट वाई का जीरो, सिक्स बाई जेड का भी जीरो, ये वैल्यू आई। अब जरा गौर करें हमारे पास ये x y और z सब कितने वन 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 है, तो अगर इस y को अपन पुट कर दें कितना वन, तो जरा गौर करें माइनस तो है ही, ये सिक्स माइनस कितना एट इंटू वन, तो एट, तो यहां पे आ गया सिक्स माइनस एट का मतलब माइनस का टू, ठीक है, तो माइनस का टू इंटू माइनस तो प्लस का टू, तो ई एक्स का मैग्नीट्यूड हमको मिल गया है ये, और अगर इसको लिखूं डायरेक्शन के साथ तो टू आई के। नेक्स्ट ई वाई, ई वाई इज इक्वल टू अगेन माइनस का सिक्स का जीरो, ठीक है, तो माइनस एट वाई में एट वाई को अपन ले लें यहां पर, एट एक्स को कांस्टेंट मानते बाहर ले लें, तो माइनस एट एक्स यहां पे बाहर आया तो वाई का हो गया वन, माइनस एट वाई का माइनस का एट, सिक्स वाई को अपन ले लेते हैं यहां पर प्लस सिक्स वाई आ गया कांस्टेंट के फॉर्म में, सॉरी 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 सिक्स जेड और वाई का हो गया वन, ये वैल्यू आ गई। अब इसको फिर सोल्व करते हैं, देखो तो x हमारे पास फिर कितना वन है, z फिर हमारे पास कितना वन है, इसको सोल्व किया जाएगा तो माइनस का ये माइनस का एट और माइनस का ही एट और प्लस का कितना सिक्स आठ सोलह, सोलह और छः कैसा है आपका प्लस का, तो ये रहा माइनस का बारह, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया बारह जे के, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए। इसी तरह से अगर अपन निकालते हैं इसका ई जेड, ये सोल्व करना ही पड़ेगा ना, इसमें कोई चारा ही नहीं है साहब, सिक्स एक्स का कांस्टेंट है जीरो हो गया, एट एक्स वाई कांस्टेंट है जीरो हो गया, एट वाई का भी जीरो हो गया, और उसमें रहा अपने पास सिक्स वाई जेड का वन, वाई की वैल्यू कितनी है वन, तो माइनस का सिक्स
वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये अनुसार। क्लियर। तो अब हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको अगर अपन देखें तो ई हमारे पास आया 2i केप प्लस 12 j केप और माइनस का 6 k केप। इसका हमको निकालना है मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर 4 144 और प्लस कितना 36, इसका रूट करेंगे तो 144 प्लस 36 कितना हो गया, देखो 40 50 70 80 184 184 का रूट इनटू टू। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है इन ए सर्टेन रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी इक्वल टू दिस, वी इज इन वोल्ट्स एंड एक्स वाई जेड आर इन मीटर्स। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ऑफ 2 कूलॉम प्लेस्ड एट ए पॉइंट 111 पॉइंट। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका है, आपको पूछा है कि किसी एक बिंदु है जिसका एक्स वाई जेड आप दे रखा है 111 और वहां रखा है चार्ज, उस पर कितना फोर्स होगा, कितना बल होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई, है ना, और क्यू दे रखा है हमको कितना 2 इंटू ई। अब ध्यान करें कि 2 तो हमने ले लिया साहब, कोई इश्यू था ही नहीं, ई हमको फाइंड करना पड़ेगा। और ऑप्शन कैसे हैं, देखो ऑप्शन में सारे हैं, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, बल्कि परिमाण दे रखे हैं, तो अब हमको केवल ई का परिमाण चाहिए साहब, है ना, और उसके लिए हमको दे रखा है क्या पोटेंशियल, और पोटेंशियल से अपन ई निकालते हैं, तो ई हमको निकालना पड़ेगा, ई एक्स भी निकालना पड़ेगा, ई वाई भी निकालना पड़ेगा, ई जेड भी निकालना पड़ेगा, और वो सब कहाँ निकालने पड़ेंगे, एक्स और वाई और जेड के 111 होने पर वहाँ निकालना पड़ेगा। और ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू द माइनस का डी वी वाई डी आर, एक्स का तो एक्स के सापेक्ष, वाई तो वाई के सापेक्ष, जेड तो जेड के सापेक्ष, अपने को अलग अलग आंशिक अवकलन करते हुए, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हुए हमको ई एक्स ई वाई और ई जेड फाइंड करने हैं, समझे। तो ऐसे में हमारा पहला काम है ई एक्स निकालना, फिर ई वाई निकालना और फिर ई जेड निकालना। फॉर्मूला है क्या, माइनस, तो पहले माइनस को तो अपन यहां से बाहर रख रहे हैं, और जो इसका पूरा ये पार्ट है इसका हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ध्यान करें सबसे पहले अपन एक्स निकाल रहे हैं, तो हमने माइनस तो लिया फॉर्मूले से बाहर, और सिक्स एक्स का कितना हो जाएगा 6 माइनस 8 xy का, 8y कांस्टेंट है, यानी ये कौन सा पार्शियल डेरिवेटिव है, एक्स के सापेक्ष करोगे तो वाई जेड कांस्टेंट है, वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट है, जेड के सापेक्ष करोगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट है, तो इसमें 8y तो कांस्टेंट है, इसको अपन ने लिया बाहर, और एक्स का हो गया 1, 8y का 0, इसका भी 0 हो गया, हटाओ। अब एक्स वाई जेड हैं कितने 1 है, तो वाई को अपन ने क्या कर दिया पुट 1, तो 6 माइनस 8 क्या रहा माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2i केप आ गया। ऐसे पर निकालेंगे ई वाई, तो माइनस फॉर्मूले वाला मैंने बाहर रखा है, फिर उसके बाद देखो 6x कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस 8xy में 8x को अपन ने कॉमन ले लिया बाहर, कांस्टेंट के रूप में बाहर लिया, और y का कितना हो चुका है 1, 8y का माइनस का 8, ठीक है, और 6y जेड में 6 जेड अपन ने बाहर ले लिया, y का हो गया 1। अब जेड 6 जेड था ये, पर जेड तो 1 है ना, इसलिए सबको अपन ने 1 कर दिया, जेड को 1 कर दिया, एक्स को अपन ने 1 कर दिया, और इन सारों को पुट करते हुए सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 इन माइनस का 8 और प्लस का 6, 8 और 8 कितना 16, माइनस का 16 प्लस का कितना है 6, क्या बचेगा माइनस का 10, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपके पास वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो ई वाई 10 j केप आ जाएगा। ऐसे अपन निकालते हैं ई जेड, माइनस का 6 k केप आ जाएगा, ई टोटल निकालोगे ई एक्स ई वाई ई जेड 2i केप प्लस का 10 j केप माइनस का 6 k केप। इसका अपन निकालते हैं परिमाण, 2 का स्क्वायर 4 10 का कितना 100 6 का कितना प्लस 36, जोड़े आप इसको, तो जोड़ने पे हमारे पास उसका मोड आ रहा है ना, मोड कितना है 140 का रूट, 140 को हम ऐसे कर देंगे 35 इंटू 4
इसका रूट यानी 2√35। अब इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2√35, 2 × कितना 4, 4 × √35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें काफी कैलकुलेशन और वो बड़ी केयर करते हुए आप करेंगे तब जाके इसका आंसर आपको सही से मिलेगा। ओके बढ़ते हैं आगे। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो आप पढ़ते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस से। मान लो अपने पास कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का अपन पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड समविपरीत, वो होते क्या है आर रेडियस के कोई स्फीयर होते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं। अब इसमें आप जानते हैं अगर ये स्फीयर है ना, मान लो यहाँ चार्ज रखा है मैंने प्लस का कोई क्यू, इसके हर पॉइंट वोल्टेज कैसा सेम होता है, यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये इसका ईपीएस, इसको बोलते हैं अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आपस में किस एंगल पे है, 90 पे होते हैं, हमेशा 90 पे होते हैं, इसीलिए दो ईपीएस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उसकी और बातें होती हैं। अच्छा अब ईपीएस ऐसा होता है जहां पर सबके वोल्टेज सेम होते हैं और ईपीएस के 90 पे जो लाइन खींचते हैं वो हमेशा उसके ई की डायरेक्शन शो करती है, ये अपन जानते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये चार दे रखे हैं कुछ डायग्राम्स जिसमें ए से बी हम चार्ज को ले जा रहे हैं, ए से बी, पर देखो ए का वोल्टेज कितना 20, बी का 40, 20, 40, 20, 40, 20 और 40। सॉरी ए का वोल्टेज कितना 10, बी का कितना 40, 10 से 40, 10 से 40, 10 से 40, 10 से 40, तो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 30 वोल्ट। तो क्वेश्चन कर रहा है कि ए से बी अगर चार्ज को ले जा रहे हैं तो W होता है क्या है, W होता है हमेशा डेल्टा U, W एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, Q इंटू कितना डेल्टा V, Q जिसको अपन ले जा रहे हैं वो चार्ज Q और डेल्टा V सबका कितना है 30 वोल्ट। तो सभी के लिए चाहे ए से बी फर्स्ट डायग्राम का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, चाहे फोर का हो, सभी के पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बराबर हैं, तो इनकी आकृति पे शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या उस पर डिपेंड करेगा, जो सब बराबर है तो वर्ड इन सब में कैसा आएगा बराबर इज इन द सेम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस एज इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे क्वेश्चन ये है कि मान लो जैसे यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा अपवर्ड है, ठीक है, इसमें किसी इलेक्ट्रॉन को आपने छोड़ दिया, इसका मास कितना स्मॉल एम है, तो चार्ज पार्टिकल को ई में अपन छोड़ेंगे तो उस पर कोई फोर्स लगेगा, फोर्स इसमें एक्सेलरेशन आएगा और टाइम हमको निकालना होता है, तो टाइम का जो फॉर्मूला एक्चुअली होता है तो गिरने में समय लगता है वो होता है क्या, 2s/a, एस यहाँ ट्रेवल डिस्टेंस होती है, मान लो उसको एस नीचे आने में टाइम हम फाइंड कर रहे हैं, ए होता है इसका एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगा q × e अपॉन मास कर दो तो इसका एक्सेलरेशन आएगा और ये कांस्टेंट है, तो अगर इसको पुट कर दिया जाए 2s/a, a हमारे पास है q × e अपॉन m, m को ऊपर ले जाते हैं। अब क्वेश्चन में अगले में बोला है कि e को रिवर्स करके हम प्रोटॉन को उतनी डिस्टेंस तक अगर लेके आते हैं तो उसमें समय कितना लगने वाला है, तो डिस्टेंस उतनी है, प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है, मास अलग होता है, तो ओनली मास पे डिपेंडेंस आपकी रहेगी, तो टी प्रोपोर्शनल टू कितना रूट एम, जिसका एम ज्यादा उसका टी अधिक, जिसका एम कम उसका टी कम। तो मास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसका मतलब पूछा तो क्या है, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है प्रोटोन के कंपेयर में कैसा है, मास कम होने पर कम होगा, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा प्यारा क्वेश्चन देखो, इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा और इसको एवरेज मेथड से करते हैं तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक मान लो कोई टॉय कार है, ठीक है, कोई कार मान लीजिए, उस पर मास कितना मैं स्मॉल एम मान लेता हूँ, चार्ज कितना स्मॉल क्यू दे रखा है और उस पर अपने ई अप्लाई कर दिया, ई से इसमें फोर्स अप्लाई हो गया और फोर्स कितना हो गया q × e अपॉन मास का अपन डिवाइड करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन आ गया, रेस्ट इसको छोड़ेंगे तो ई की तरफ चलना शुरू कर देगा, अब चलना भी कैसा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो ऐसी स्थिति में जो इसकी वेलोसिटी बनती है v इक्वल टू कौन सा होता है u प्लस at,
अब यू तो कितना जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ए कांस्टेंट है, तो कितना जीरो प्लस कर दूं क्यों, तो की क्यू इंटू ई बाई स्मॉल एम इंटू टी, तो वी टी ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन कर रहा है कि ये कंडीशन जो मेंटेन रख रहे हैं अपन अप टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक इसमें एक्सेलरेशन के रूप में काम कर रहा है, फिर जैसे ये 1 सेकेंड पे यहां पहुंचा आपने ई को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करते ही जो फोर्स था पहले वेलोसिटी की तरफ जो स्पीड को बढ़ा रहा था वो ही बड़ी वेलोसिटी को फिर डिक्रीज करना शुरू कर देगा, पर आपने केवल डायरेक्शन को रिवर्स किया, वैल्यू को रिवर्स नहीं किया, जितना पहले था एक्सेलरेशन अब बन गया वो रिटार्डेशन। तो 1 सेकेंड तक अगर जितनी स्पीड बढ़ी है उतनी ही आफ्टर 1 सेकेंड घटकर जीरो हो जाएगी, फिर इसको मेंटेन रखा जा रहा है अप टू 3 सेकेंड के लिए। तो क्वेश्चन देखो इस तरह से बन गया फाइनली कि इसको ग्राफ से अपन समझे ज्यादा बेटर रहेगा, कि मान लो ये है 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, मान लेता हूं 2 सेकेंड और ये है 3 सेकेंड। 0 से 1 सेकेंड तक इसकी स्पीड बढ़ी है और स्पीड हो गई कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। जैसे 1 सेकेंड पे अपन पहुंचते हैं ई को रिवर्स किया तो आफ्टर 1 सेकेंड फिर इसकी स्पीड घट के कितनी हो गई, 0। फिर इसको मेंटेन रखा जा रहा है, पार्टिकल पहले जा रहा है, पहले स्पीड बढ़ी, स्पीड घट के 0 हो गई, रुक गया, ई लगा रखा है, फिर ये रिवर्स चलना शुरू कर देगा और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल जाएगी और उतने ही समय यहां 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी यहां होगी माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड। वीटी ग्राफ हम लोगों ने बना लिया, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। आप देखो ये जो पार्ट है इसका एरिया पर निकालें तो कितना इसका, ये है राइट एंगल ट्राइंगल है ना जी, तो 1/2 इंटू कितना बेस कितना इसका 1 इंटू हाइट कितनी हो गई 6, तो 3 हो गया, तो इसका एरिया कितना प्लस का 3, इसका भी एरिया कितना प्लस का 3 और ये कितना माइनस का 3। ओके, हमको पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है एरिया का, अपन ओनली मैग्नीट्यूड सम करते हैं, 3 + 3 + 3 = 9, 9। टोटल टाइम कितना है 3, 9/3 कितना हुआ 3 मीटर पर सेकेंड। बट अपन निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, वो तो हम निकालते हैं वेक्टर सम करना पड़ेगा, विस्थापन एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ते हैं तो इनका सबका एलजेब्रिक सम, साइन के साथ अपन योग इसका जोड़ करेंगे, तो +3 + 3 - 3, तो क्या बचा +3, तो +3 अपॉन टाइम टोटल कितना 3 है, तो क्या 1 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितनी है 3, बट वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर 3 और 1। और पूछा हमको पहले एवरेज वेलोसिटी तो कितनी हुई 1 मीटर पर सेकेंड, 1 और 3, डन। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल दो तरह के हैं, पोलर और नॉन पोलर। जैसे HCl क्या है, पोलर है, तो पोलर अगर होगा तो उसमें क्या इनिशियली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो एग्जिस्ट होता है, पाया जाता है। जैसे H2 मॉलिक्यूल है, एक है HCl, H2 जो है इसका नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में नेट डायपोल मोमेंट कितना, 0 होता है, जबकि HCl में H+ है, Cl- है, इसमें पहले से ही डायपोल मोमेंट पाया जाता है। तो इंडिविजुअल किसी एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट पाया जाना ये बताता है कि वो मॉलिक्यूल किस प्रकार का है, वो पहले से ही पोलराइज्ड है। जबकि H2 को अगर हमको पोलराइज करना है तो हमें हाई स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये होगा पोलराइज्ड, ठीक है। तो हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये इसकी खास पहचान होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस फील्ड, एक डायपोल है उसको अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है पर 30 डिग्री के एंगल पर रखा है, तो पूछा है कि अगर इस पे इतना टॉर्क लग रहा हो तो चार्ज इसमें कितना होगा। तो अपन जानते हैं डायपोल को जब रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पे लगने वाला टॉर्क जो होता है, टॉर्क ऑन डायपोल, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई, यानी पी ई साइन थीटा। पी हमारे पास क्या है, क्यू इंटू चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को अपन डी मान लेते हैं ना, इंटू ई, और ये हो गया आपका साइन थीटा। हमको पूछा है चार्ज क्यू, तो चार्ज क्यू होगा क्या, टॉर्क अपॉन ये डी ई और साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दी जाए, टॉर्क कितना है 4 न्यूटन मीटर,
डी डिस्टेंस कितनी है साहब दोनों चार्जेस के बीच में, 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू कितना 10 रेज पावर माइनस का 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटे जी, ये है 2 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 5, और साइन 30 यानी 1/2, इसको ओपन कर देते हैं सॉल्व। तो देखिए 2 से 2 को ओपन कर दें कैंसिल, यहां से इसको उड़ा देते हैं 2, तो 2 तो है ही एक ही आंसर में, तो आप कुछ लोग फिर चेक कर लो, प्लस का 5 है माइनस का कितना है 2, तो 5 माइनस 2 कितना 3, 3 को ले जाएंगे माइनस का 3, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 कूलाम, इसको अपन कह सकते हैं 2 मिली कूलाम। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ए डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो, अब देखो इस पॉइंट से अपन आगे जा रहे हैं तो फील्ड लाइंस दे रखी है अपने को इस तरफ, फील्ड लाइंस कैसी है, रेडियली आउटवर्ड है। अगर इस प्रकार के फील्ड लाइंस हैं तो यहाँ पे तो ये पास पास हैं, डेंसर हैं, यहाँ इनकी ई की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जैसे अपन दूर जाएंगे ई का स्ट्रेंथ है वो घटेगा, पर अब देखो यहाँ इस वाले पॉइंट पे जैसे चार्ज प्लस का क्यू माइनस को डायपोल रखा गया है, देखो इसमें इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ये मान लो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया जा रहा है, और एक चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला डायपोल हमने यहां रख दिया, पर देखो जहां प्लस क्यू है उस पोजीशन की यहां से अपन डिस्टेंस चेक करते हैं, डिस्टेंस या डिस्टेंस देखते हैं, तो डिस्टेंस ये कम है ये ज्यादा है, डिस्टेंस कम होने पर यहां ई ज्यादा होगा, यहां पर ई कैसा होगा कम होगा, तो इस पे जो फोर्स है प्लस क्यू, मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वन अगर मान लूं और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई टू मान लूं, ई वन की स्ट्रेंथ ई टू से ज्यादा है, तो अब इस पे फोर्स अपन निकालते हैं तो क्यू इंटू ई, देखो ना इस पे फोर्स लगा क्यू इंटू ई वन, माइनस पे फोर्स लगा इस तरफ क्यू इंटू ई टू, तो इस डायपोल के दो चार्ज हैं, एक फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई वन, एक है क्यू इंटू ई टू, पर क्यू ई वन वाला फोर्स बड़ा है, तो इस पूरे सिस्टम पे नेट अपन फोर्स निकालेंगे एफ नेट, वो है कितना क्यू इंटू ई वन माइनस का ई टू, जो ई वन के अनुसार होगा, ईवन के अनुसार या पहले फोर्स के अनुसार, पहला फोर्स किस तरफ है, राइट वर्ड है दाईं तरफ है, दाईं तरफ गति करेगा, तो जैसे इस डायपोल को छोड़ेंगे अपने आप ये चार्ज का ग्रुप जो है जिसको अपन डायपोल कह रहे हैं, ये अपने आप दाईं तरफ गति करना शुरू कर देगा, राइट वर्ड गति करना शुरू कर देगा, और ये नेचुरली एक कॉन्सेप्ट है कि जब कोई पार्टिकल या सिस्टम किसी फील्ड की प्रेजेंस में अपने आप गति करता है, यानी किसी सिस्टम को किसी पार्टिकल आप स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी उसको विराम छोड़ दो, विराम से छोड़ने के बाद जब स्वतः गति करता है, खुद गति करता है, हमेशा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो घटती भी पोटेंशियल एनर्जी के साथ ये क्या करेगा, दाएं तरफ गति करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है इसमें। ये टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, दाएं तरफ गति करेगा क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो दाएं तरफ जाने पर घटती है। नेक्स्ट, ये डायपोल है, डायपोल से पूछा कि किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इज इक्वल टू अपन पढ़ते हैं ना के पी टू के पी एक्स एक्स पे या सिंपल अपॉन आर क्यूब, तो ई की जो डिस्टेंस पे डिपेंडेंस है वो कैसा है, 1/r³ के अकॉर्डिंग बदलेगी, डायपोल है ना माइनस का क्यू प्लस का क्यू, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे निकालते हैं तो फॉर्मूला आता है ना इसमें 2kp, और पूरा लिखता हूं तो 1+3cos²θ 1+cos²θ। ठीक है, तो हमको तो ओनली पूछा है कि ई का आर पे डिस्टेंस पे डिपेंडेंस किस प्रकार का है, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, वैसा क्वेश्चन है, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज ए डायपोल मोमेंट ऑफ दिस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट ए पॉइंट इज दिस, सेंटर ऑफ द डायपोल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद द डायपोल एक्सिस। क्वेश्चन देखो क्या है कि कोई डायपोल रखा हुआ है माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, ये इसके डायपोल की एक्सिस है, इसके सेंटर से एक्सिस के साथ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये किसी पॉइंट पर वोल्टेज आपको दिया जा रहा है, वोल्टेज दे रखा हम लोगों को या पूछा है, वोल्टेज आपको पूछा गया है, ये डिस्टेंस है कितनी आर, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू होता है KP cos थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू करते हैं पुट, 9 इंटू कितना 10^9, पी डायपोल मोमेंट है जी, और ये है आपका आंसर कितना 16 × 10⁻¹⁹, ये तो इससे खत्म ही हो गया था। कोई बात नहीं, कोस 60, एंगल कितना है 60, तो 1/2 अपॉन आर, आर है डिस्टेंस कितनी 0.6 मीटर, तो 6 × 10⁻¹1, इसका अपन कर दें स्क्वायर, तो 6 × 6 × 10⁻²। ठीक है जी, अब इसको अपन करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करें, चलो सबसे पहले 2 से इसको हम कर देते हैं कैंसिल, तो हो गया 8। एक काम करता हूं मैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, 10 से डिवाइड करता हूं, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया तो 90 × 8। ऐसा क्यों किया मैंने, चलो कर दिया तो कर दिया, अब चलो वापस काट देता हूँ। इसको 3 से कट करते हैं तो 3 × 2 है ना, इसमें 3, फिर 3 से काट कट करते हैं तो 2, ये आपका कैंसिल, तो हमारे पास नीचे रहा कितना 4, इसको उड़ा दूँ, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, क्लियर साहब। अब हमारे पास ऊपर शेष क्या रहा, 2 ओनली, नीचे ये सब कैंसिल हो गया, 10⁻², उसको बुलाएंगे ऊपर, तो ये है 10 × 10⁻², यानी 200 वोल्ट, 200 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ ईच। अब अगले क्वेश्चन जो आपके हैं 10 है वो कैपेसिटर के टॉपिक के हैं, और किसी पीपीसी जो कैपेसिटेंस अपन पढ़ते हैं सी इक्वल टू वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ए बाई डी, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या किया कि जो कैपेसिटर की प्लेट है उनका सेपरेशन है उसको अपन ने क्या कर दिया, डबल कर दिया, एरिया ऑफ ईच प्लेट हाफ, एरिया अपन ने आधा कर दिया, डिस्टेंस को आपने जैसे सी डेस कर दूं है ना, एप्सिलॉन आर वही है, ए डेस हाफ कर दिया, तो ऐसे में देखो सी, जैसे सी प्रपोर्शनल कितना है हमारे पास ए बाई डी, चलो पूरा करता हूँ, सी डेस बाई सी इज इक्वल टू ए डेस अपॉन ए इंटू कितना डी बाई डी डेस, एरिया आपने हाफ किया है तो ए बाई टू अपॉन ए इंटू डी अपॉन डिस्टेंस को अपने डबल कर दिया, तो डी से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, टू नीचे चला गया तो क्या हो गया 1/4, तो सी डेस इक्वल टू कितना सी बाई फोर, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 μF। पहले मान लो कैपेसिटर था, इसमें एयर थी, एयर होने पे इसकी कैपेसिटेंस कितनी, सी नोट कितनी है 6 μF। अब कह रहा है कि अगर हमने इसकी दोनों प्लेटों के बीच में पूरी तरह से माध्यम को भर दिया एप्सिलॉन आर को, तो कैपेसिटेंस हो चुकी है सी मीडियम, और उसको कहा जा रहा है 30 μF। तो एक तो अपन ये निकालते हैं कि इसका एप्सिलॉन आर कितना होगा, तो एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इनटू सी नॉट, जानते, और ऐसे में एप्सिलॉन आर निकालोगे तो सी मीडियम अपॉन सी फ्री स्पेस, तो देखो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हो गया सी मीडियम अपॉन सी फ्री स्पेस, ये 30/6 यानी 5, ये है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सॉरी इसको अपन कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। पर हमको देखो ये सारे क्वेश्चन में देखो द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इंग्लिश में तो बहुत बेहतर तरीके से साफ साफ मेंशन कर रखा है, तो आपको पूछा है द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी आपको यहां निकालना है एप्सिलॉन मीडियम जो कि होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, परंतु हिंदी में लिखा है इस माध्यम का पैराविद्युतांक, और पैराविद्युतांक हम लोग कहते हैं किसको है, एप्सिलॉन आर को कहते हैं, पर साथ में दे रखे हैं यूनिट, जबकि एप्सिलॉन आर तो होता है डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, तो अब यूनिट के अकॉर्डिंग और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को चेक करते हुए आपको निकालना रहेगा क्या एप्सिलॉन मीडियम, तो एप्सिलॉन जो मीडियम होता है वो है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यानी 8.85 इनटू 10⁻¹² इनटू एप्सिलॉन आर कितना था जी 5, इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 × 5 कितना 25, कैरी कितनी हो गई हासिल 2 हो गई, 8 × 5 = 40, 2 = 42,
फिर कैरी कितनी यानी हासिल कितना होंगी, चार, चार का मतलब 40 और चार 44, 44, और ये हो गया 44.25 इंटू 10 रेस माइनस का 12। तो ये है, अब ऑप्शन के रूप में 0.44 इस तरह रखिए। तो अगर इस पॉइंट को यहां से इस पॉइंट पर रिप्लेस करें 0.44, तो 10 की पावर प्लस का 2 इसमें ऐड कर दूं, तो 10 की पावर माइनस का 12 प्लस 2, तो माइनस का 10। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट चला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग ए चार्ज कैपिटल क्यू एंड एरिया ए इज, पूछा जा रहा है कि कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और इसकी दोनों प्लेटें हैं, उनके चार्ज, चार्ज हमको दे रखा है इसका कैपिटल क्यू, तो इसका अपने आप माइनस का क्यू होता है। प्लेट एरिया कितना हमारे पास ए है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है अपने को सी। तो अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस पे, जो है ना इसकी डिस्टेंस डी है मान लो, उस पे कैसे डिपेंड करता है। तो फोर्स आप पर चार्ज दे रखा है, तो फोर्स की जो फॉर्मूले आप लोग पढ़ते हैं इसमें, फोर्स निकालना हो तो वैसे एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, या पोटेंशियल एनर्जी का भी अपन आर से करते हैं डिफरेंशिएशन, तो इसका भी वैल्यू आ जाता है। तो फोर्स जैसे अपन पढ़ते हैं, कैसे भी आप निकाल लो इसमें क्यू इंटू ई, चलो अगर मैं सिंपल फॉर्मूले से लेता हूँ एफ इक्वल टू कितना क्यू इंटू ई, इस पर फोर्स निकाल लूँ तो इसका यहाँ पे ई बनेगा, सो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यू एक चार्ज ई, इस प्लेट ने यहाँ ई उत्पन्न कर रखा है, तो वो होता है क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा होता है क्या चार्ज अपॉन एरिया। तो इससे हमारे पास फोर्स आ गया एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। क्या डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू दिए जाने पर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो F proportional to है distance की पावर जीरो, नॉट डिपेंड ऑन दिस। पर अगर इसी को बदलते हैं फिर क्या, कैपेसिटेंस के फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में Q equal to CV, तो ये आता है CV square upon 2D, C square V square, इसको epsilon not A upon, है ना, इसको मैं D से multiply, D से divide कर दूं, एक C बन जाएगा, उस C को अपन यहां से कट कर सकते हैं। देखो यहां फॉर्मूला जो था ना इसी को बदल सकते हैं, से F is equal to C square V square upon 2 epsilon नॉट इंटू ए, मैंने डी से इसको मल्टीप्लाई किया, डी से इसको डिवाइड किया, ये बन गया कैपेसिटेंस, सी से इसको उड़ा दिया, तो क्या बन गया सी वी स्क्वायर अपॉन 2d। और ऐसे केस में सी प्रोपोर्शनल कहता है 1 अपॉन डी ए। ध्यान देना, अगर चार्ज दे रखा हो, कांस्टेंट चार्ज दे रखा है, तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, और वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज के दिए जाने पर फोर्स 1 अपॉन डी के अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो ये इसका आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटेंस, बड़ा क्वेश्चन ही अलग है अंदाज में, यहाँ बैटरी का जुड़ा रहना नहीं जुड़ा होना, इस तरह के इसमें क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो और नीट ये जो सेक्शन यहाँ से क्वेश्चन का जो है ना, जहाँ को कैपेसिटर होता है उसको अपन बैटरी से कनेक्टेड रखते हैं और आफ्टर चार्जिंग उसको हटा लेते हैं, तो मेन इश्यू यहाँ ये है क्वेश्चन को पकड़ने का, कि अगर बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद अगर जुड़ी रहे तो हम जानते हैं वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, यदि बैटरी को अपन हटा लेंगे तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद जो भी आपको वैल्यू निकालनी है उसमें कांस्टेंट जो क्वांटिटी कौन है उसके फॉर्मूले यूज करते हुए आप क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं, एक पीपीसी है, उसकी कैपेसिटेंस सी है और उसको वोल्टेज वी दे रखा है, एंड देन डिस्क क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, वी वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर दिया गया है, फिर बैटरी को आपने हटा लिया, बैटरी को हटा लिया तो चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा कि रहेगा, चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, तो द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, ये पहला ही गलत है। और पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन इसमें गलत है, गलत कौन सा है, तो बैटरी को हटाने के बाद तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, इसका मतलब ये तो सही हो गया ना, तो लिखा था चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, लिख दिया क्या है कंजर्व्ड, तो पहला ही गलत हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस बाय के टाइम्स, तो देखो इसमें क्या करोगे,
वी निकालना है, तो हमें चूंकि यहां पे क्यू कॉन्स्टेंट, तो क्यू अपॉन सी का फॉर्मूला यूज कर दो। सी एक्चुअली है क्या, देखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, डी को ऊपर ले जा रहा हूं। तो हमने क्या किया, दोनों प्लेटों के बीच में के क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, पहले एक कोई कैपेसिटर था सी, उसको किसी बैटरी से अपन ने चार्ज किया वी वोल्ट की, तो फाइनली हमारे पास ये कैपेसिटर प्राप्त हो चुका है जिसमें ये चार्ज भी हो चुका है, तो सी और वी और क्यू इक्वल टू कितना सी वी आ चुका है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है चार्ज किया सेपरेट कर दिया, और फिर हम इसके बीच में माध्यम को भर रहे हैं, जैसे इसके बीच में माध्यम को इंट्रोड्यूस करेंगे के को या केट के को, एप्सिलॉन इक्वल टू अपन के करें, तो माध्यम को भरने के बाद क्या कंडीशन बनेगी, क्या चेंजेस आएंगे वो आपसे पूछा है। तो बैटरी हटा चुके हैं तो क्यू कॉन्स्टेंट है, अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, माध्यम पुट कर दिया है, तो क्यू की वैल्यू अगर लिख दो ना यहां पर कैसी, वही सी वी, क्यू कितना है सी इंटू वी, सी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए। चलो इस डी को नीचे ले दूं, अभी एप्सिलॉन नॉट इंटू डी कट गया ना, तो वी अपॉन कितना हो गया एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन कितना है के वी अपॉन के, तो v अपॉन k का मतलब है कि पोटेंशियल है वो k गुना घट जाता है, सही बात है ऐसा, ये भी सही है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस बाय k टाइम्स, तो एनर्जी का फॉर्मूला भी अपन u इक्वल टू क्या यूज करेंगे, q स्क्वायर अपॉन 2c, q कांस्टेंट है, यहां भी u प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन c है, c k टाइम्स हो गई, c क्या हो गई k टाइम्स, तो c के k टाइम्स होने पर इसका u डैश भी क्या निकालेंगे, u अपॉन k आएगा, तो ये भी घट जाएगी। द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज दिस, एनर्जी का परिवर्तन कितना है, तो पहले एनर्जी कितनी थी बाद की एनर्जी कितनी है उसका डिफरेंस आपको निकालना है। तो देखो डिफरेंस कैसे निकालोगे, डेल्टा यू इक्वल टू कौन सा यू फाइनल माइनस कौन सा यू इनिशियल, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, सी बाद की, तो सी बाद की है कितनी के इन टू सी करता हूँ माइनस वही कितना क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, और ये Q एक्चुअली है क्या सी वी, क्यों हमारे को तो C और भी दे रखे हैं, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर, ये भी कितना है C और V, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ से C कट जाएगी, तो फाइनली हमारे पास यहाँ वैल्यू बचेगी, देखो 1 अपॉन 2 के सी वी स्क्वायर माइनस कितना 1 बाई 2 सी वी स्क्वायर, चेक कर ले, और इसमें से अगर 1 बाई 2 सी वी स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन के माइनस का 1 इसका आंसर रह जाएगा, 1 बाई 2 सी वी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया 1 अपॉन के माइनस का, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन है, ये सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, तो रॉन्ग कौन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर भी देखो क्वेश्चन क्या है कि जैसे अपने पास ये आपने पढ़ा है कि मान लो कोई एक कैपेसिटर है पहले जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है सी वन है, सी वन कैपेसिटेंस है, इसको अपने वोल्टेज वी वन तक चार्ज कर दिया, दूसरा कैपेसिटेंस एक और है सी टू उसको V2 से अपन ने चार्ज कर दिया, दोनों को अपन मान लो कनेक्ट कर दें, इसको भी अपन इससे कनेक्ट कर दें, तो कनेक्ट करने पे जो लॉस ऑफ एनर्जी अपन निकालते हैं डेल्टा E लॉस, उसका फॉर्मूला कितना होता है 1 बाई 2 C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू कितना V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ये लॉस ऑफ एनर्जी होता है, जहां पर V1 V2 दोनों के पहले के पोटेंशियल है साहब, डिफरेंस का वर्ग हम लोग करते हैं, माइनस प्लस के रूप में कर सकते हैं, पर इसमें प्लस को प्लस से माइनस को माइनस जोड़ने पर ऐसा किया जाता है, ये सिंपल फॉर्मूला है, पर क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है ध्यान दो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले ये कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी सी वन है, वी वोल्ट से जोड़ रखा है, ठीक है, तो ये चार्ज हो चुका, उसके बाद इस पॉइंट को इस वायर को हम लोग एक से दो पे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे एक से दो पे शिफ्ट करेंगे बैटरी यहां डिस्कनेक्ट हो चुकी है और एक आवेशित संधारित्र का उदासीन से संयोजन हो गया, ऐसे में देखो सी वन तो ये है और वी वन कितना हमारे पास है, वी वन वी है, वी वन वी है, पर जिस समय इसको एक से दो पे ट्रांसफर करेंगे C2 तो हमारे पास कितना है 8 माइक्रोफेरड है, पर V2 कितना 0 है, तो एक तरह से इस आवेशित संधारित्र का चार्ज्ड कैपेसिटर का दूसरे न्यूट्रल से अपन ने कनेक्ट कर दिया, अब इसमें लॉस ऑफ एनर्जी
और वो भी कैसे पूछा है कि परसेंटेज लॉस है यानी पहले के सापेक्ष कितनी है। तो पल देखो इस जुड़ा हुआ ना, तो इस पहले वाले हिस्से में इसके पास एनर्जी स्टोर कितनी है यू इनिशियल, इसके पास जीरो है तो कितनी है ओनली 1/2 सी वन वी स्क्वायर, ये इसकी पहले से स्टोर्ड एनर्जी है। अब लॉस कितना है वो निकालते हैं इसमें, तो डेल्टा ई लॉस इज इक्वल टू 1/2 ये आपका सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू वी वन माइनस वी टू, वो तो जीरो है इसका स्क्वायर कर दूं। अब जरा गौर करें कि हाफ सी वन वी स्क्वायर और वी वन का वैल्यू कितना वी है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, 1/2 सी वन सी टू अपॉन ये सी वन प्लस सी टू इंटू वी का स्क्वायर। अब जरा गौर करें ये जो पोर्शन है हाफ सी वन वी स्क्वायर ये कौन है ई या यू इनिशियल, तो ये हो गया देखो सी टू बाई सी वन प्लस सी टू इंटू यू इनिशियल, इसका अपन रेशियो निकालें तो डेल्टा ई लॉस अपॉन यू इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू, परसेंटेज पूछा है दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो इन परसेंटेज लॉस, तो सी टू हमारे पास है कितना 8, सी वन कितना है 2 प्लस ये 8 इंटू 100, 8 अपॉन 10 कितना 0.8, 0.8 इंटू 100 तो ये कितना हो जाएगा 80%। तो ये ज़्यादा इजी तरीका रहता है इस फॉर्मूले से करना। वैसे अपन निकालेंगे तो पहले आप इसके एनर्जी निकाल लो दोनों का, फिर आफ्टर कनेक्शन पोटेंशियल निकालो, फिर बाद की एनर्जी निकालो, उसको पहले घटाओ, घटा के डिफरेंस निकालने पे जो वैल्यू आती है उसका अपॉन क्या करते हो इनिशियल, तो लंबी थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आएगा, जबकि यहाँ अपन इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दो कैपेसिटर हैं और बोला गया है कि इनकी कैपेसिटेंस 3 और 16 है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर हैं उनको जोड़ा सीरीज में तो तुल्य कितनी है उसकी 3, जोड़ा उनको समांतर में पैरेलल तो तुल्य कितना है उसका 16। तो पूछा है कि जिनको जोड़ा गया उनकी कैपेसिटेंस कितनी है। तो जब भी दो कैपेसिटर को अपन जोड़ते हैं सीरीज में तो इसकी सी आती है सी वन इंटू सी टू बाई सी वन प्लस सी टू, और इधर रखा अपने को 3 माइक्रो फेरेड, मैं इसको 3 मान के चल रहा हूं। तो जोड़ते हैं उनको पैरेलल सी वन सी टू को, तो ये बनती है सी वन प्लस सी टू इक्वल टू कितना है जी 16 माइक्रोफेरेड को हटा रहा हूं ताकि लिखने में गड़बड़ नहीं हो। अब देखो अगर मैं सी वन प्लस सी टू को 16 मान रहा हूं, इसको यहां मान लो 16, 16 इंटू 3 कितना हुआ 48, तो यहां से सोल्व करने पर जैसे फर्स्ट वाले से सी वन सी टू हमारे पास है 3 × 16 यानी 48, क्लियर। अब सी वन प्लस सी टू मेरे पास है, मुझे पूछा सी वन और सी टू की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, तो अगर मुझे सी वन माइनस सी टू मिल जाए, सी वन माइनस सी टू मिल जाए तो उसका फॉर्मूला यानी ए माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर अपन लिखें ए माइनस का बी तो ये होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस कितना 4ab का रूट, डायरेक्ट याद हो बड़ा अच्छा काम करेगा। सी वन माइनस का सी टू, तो देखो क्या लिखूं सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर, सी वन प्लस सी टू का स्क्वायर कितना हुआ 16 × 16 माइनस का 4 × C1C2, सी वन सी टू हमारे पास कितना है 48, ये 48। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो ऐसा है जी, ये जो है ना इसको ऐसे लिख दूंगा 16 × 16 माइनस का 4 × अगर दो 3 × 16, तो यहां हम लोग चाहें तो, और इस 16 को भी अपन ऐसे कर देते हैं यहां पर 4 × 4 4 × 4, तो ध्यान करें यहां 16 है बेटे जी, 16 कॉमन ले लिया यहां से, तो 16 × 4 कॉमन ले लिया तो बचा कितना 4 × 3, 16 का रूट कितना 4, 4 कितना हुआ 2 8, यानी कुल मिला के आप देखो तो 16 × 4 में यहां से बाहर ले रहा हूं तो इसका रूट कितना 4 और 2 8, और अंदर से इस क्या रह रहा है 4 माइनस का 3, 4 माइनस का 3 तो 1 हो गया, 1 का रूट 1 ही होगा तो 8। तो सी वन माइनस सी टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है देखो 8 आ गई। अब जरा सिंपल हो गया ना, सी वन प्लस सी टू मेरे पास 16 है, इनका डिफरेंस कितना है 8, तो अगर इस इक्वेशन को जोड़ दो इसमें सी वन प्लस सी टू, देखो कितना आसान है, सी वन प्लस सी टू है 16, सी वन माइनस का सी टू कितना है 8, जोड़ दें इनको हटाओ तो 2C1 इक्वल टू कितना 16 प्लस 8 कितना हुआ 24, तो सी वन कितना 12, 12
सी वन अगर 12 है तो सी टू कितना है, जोड़ 16 था तो 4, फर्स्ट इसका आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए कैपेसिटर, ए कैपेसिटेंस सी इक्वल टू दिस इज चार्ज फुली बाय दिस वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर, देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज, तो सिस्टम ने स्टोर्ड एनर्जी है वो कितनी है वो हमको पूछी जा रही है। सिस्टम की टोटल एनर्जी पूछ जा रही है ना, तो पहले इसके पास थी एनर्जी कितनी, सिंपल सोचो आप, ये सी और वोल्टेज वी है, ठीक है, अकेला था तो इसके पास पहले एनर्जी कितनी है, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर मान लेता हूं। अब ये तो चार्ज है, इसको बैटरी को आपने हटा लिया है, दूसरे अनचार्ज से अपन जोड़ेंगे, तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, देखो अगर जगह है तो मैं उसको आगे लेता हूं, या पहले इन दो तीन क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं उसके बाद अपन बैक आते हैं। नहीं जी, क्वेश्चन तो अपने को वहीं से ही चलना पड़ेगा। तो ये थी कंडीशन। अब ये कैपेसिटर एक है जिसके पास सी और वी वोल्टेज है, और सेकंड जो है वो है न्यूट्रल, इसकी कैपेसिटर सी है पर वोल्टेज कितना, जीरो है, तो पहले अपन निकालते हैं इसका वी सी कॉमन वोल्टेज, तो सी वी प्लस कितना भाई, ये कैपेसिटर है सी वोल्टेज वी था, दूसरा भी था सी पर उसका वोल्टेज कितना, जीरो है। अब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद दोनों के वोल्टेज सेम हो जाएंगे, पर वो वोल्टेज कितना होगा वो हमको पता करना पड़ेगा ना, वी सी, तो सी वी प्लस, यहाँ सी टू तो सी है पर वी टू कितना है, जीरो, अपॉन सी प्लस सी टू सी, सी वी अपॉन टू सी कितना, वी बाई टू आ गया। इसका मतलब पहले कंडीशन थी सी और वी है ना, अब इसके पास सी और वी बाई टू और सी और वी बाई टू, ये इसके पोटेंशियल बन गए। अब हमको निकालनी इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, तो इसके पास हाफ सी इंटू वी स्क्वायर बाई फोर, इसके पास भी एनर्जी इतनी है, तो ये हो गई एक्चुअली कितनी, वन बाई एट सी वी स्क्वायर, वन बाई एट सी वी स्क्वायर, इतनी इसके पास है, दोनों सेम ही तो है, वन बाई एट सी वी स्क्वायर प्लस वन बाई एट सी वी स्क्वायर कितना हो गया, वन बाई फोर सी वी स्क्वायर, वन बाई फोर सी वी स्क्वायर, ये टोटल इस सिस्टम की एनर्जी है। आपको लॉस नहीं पूछा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम बी इज, जो सिस्टम बी है ये वाला, इस बी सिस्टम में टोटल स्टोर्ड एनर्जी कितनी है ये हमको पूछी जा रही है। इसकी वैल्यू कितनी, हाफ सॉरी 1/4 सी वी स्क्वायर आ गई। अब इस वैल्यू को पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो अपन चेक कर लें, 1/4 इंटू सी, सी हमको दे रखा है 900, तो 900 पीको या 10^-12, वी वोल्टेज हमारे पास कितना है साहब, 100, वी स्क्वायर तो 10^ कर देता हूं 4, उठाएं इसको अपन, तो ये हो गया आपका 4 से इसको डिवाइड करें 2, 225, तो ये हुआ 225 इंटू कितना 10^-8, 2 पावर इसमें अपन कर दें शिफ्ट, 2.25 × 10^-6, 2.25 × 10^-6, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया कि पहले हमारे पास ये कैपेसिटर था सी और वी चार्ज कर दिया, अभी इसके पास एनर्जी कितनी है यू इनिशियली, हाफ सी वी स्क्वायर। अब कह रहा है कि अगर हम इसको जो है ना फर्स्ट वाला, इसी को सी और वी को दूसरे किसी न्यूट्रल से जोड़ दें, ऐसे जोड़ने के बाद की हम लोगों ने जो सिस्टम की पूरी एनर्जी निकाली है यू फाइनली, यू इनिशियल है कितनी हमारे पास, 1/4 सी वी स्क्वायर, और ये एक्चुअली है क्या, इसकी आधी तो है, तो डिक्रीजेस बाई ए फैक्टर ऑफ 2, 31 का जो आंसर है वो आप चेक कर सकते हैं, 31 में है 1, बिल्कुल डिक्रीजेस बाई ए फैक्टर ऑफ 2, अभी जो क्वेश्चन किया देखो, और आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो उसी थीम के साथ रिपीट होते हैं, तो आप अगर इन क्वेश्चंस को ढंग से रिवाइज करते हैं, जैसे आसपास की जो फॉर्मूले हैं थ्योरी है उनको ठीक से समझते हुए,
तो मान के चलें आपका स्कोर निश्चित रूप से इनको पढ़ने के बाद में ग्रोथ ही करेगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट, तो इसमें क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा बड़ा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा है, तो दोनों को अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए साहब, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन निकालते हैं ना, सी इक्विवेलेंट, तो सी का फॉर्मूला होता है अपन जानते हैं कितना, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर रहे हैं, चेंज भी दो तरह से कर रहा हूं, एक तो है एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी बाई के, एक है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी और के इनटू ए, कोई बदलाव किया मैंने, सिर्फ इसको लिखा है थोड़ा सा अलग तरह से। ये हम लोग काम में ले रहे हैं जो सीरीज, और ये किसके लिए, पैरेलल, यानी ये किसके लिए है, डिस्टेंस डिवीजन के लिए, डिस्टेंस डिवीजन के लिए, और ये किसके लिए होता है, एरिया डिवीजन के लिए। यानी आप अगर दो कैपेसिटर है उसके बीच में जो माध्यम भरते हैं, यहाँ माध्यम भरते हैं कितना, डी वन के वन डी टू के टू, ऐसे मान लो ये आपका है के एन और डी एन, जबकि अगर मैं इसमें इस तरह से माध्यम भर दूँ, इसको बोलते हैं एरिया डिवीजन, मान लो के वन इस भाग का एरिया कितना ए वन, ये के टू इस भाग का एरिया कितना मान लो ए टू, इस तरह से अपन माध्यम भर दें, तो आप सिंपल याद रखें ऐसे कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई के, डी नीचे के उसके भी नीचे है, तो डी बाई के आपको के इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप सिंपल ध्यान रखें, आपको सी निकालना हो ना तो आप इसको यूज कर लें पूरे को, आपको निकालना सी इसको यूज कर लें, आपको निकालना ओनली के इक्विवेलेंट, तो डी बाई के डिस्टेंस डिविजन में आप ध्यान रखें डी बाई के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी डी अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना है, डी वन बाई के वन और ये आपका डी टू बाई के टू सो ऑन। और अगर आप निकालते हैं पैरेलल में या एरिया डिवीजन में, वहाँ के इंटू ए कॉन्स्टेंट याद रखें, के इंटू ए इज इक्वल टू के पूरा सिस्टम का, ए पूरे सिस्टम का एरिया, तो कितना के वन ए वन प्लस कौन सा के टू ए टू, ये फॉर्मूला आपका है। मिक्स आ जाए तो दोनों को डिलीट करें। जैसे अपने इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में यहाँ ये पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है, इनके बीच माध्यम रख दिया के वन के टू के थ्री, तो ये इस तरह से जोड़ेंगे अपन किसी कैपेसिटर किसी बैटरी के साथ। तो जो पहले इस वाले को अपन मान लें, तो इसको अगर पहले सपोज करो ना, तो ये एक तरह से एरिया डिवीजन है, और मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि इस पूरे पोर्शन का इक्विवेलेंट कितना, मैं के नॉट मान लेता हूं, ठीक है, ये ए बाई थ्री ए बाई थ्री ए बाई थ्री पूरा एरिया कितना हो गया इसका ए। ऐसे में इस सिस्टम की के नॉट हमको निकालनी है, तो जो एरिया डिवीजन में मैंने फॉर्मूला बताया था क्या था याद करो, ये था k इक्विवेलेंट इनटू टोटल एरिया a इज इक्वल टू k1 a1 प्लस k2 a2, ऐसे और एरिया सब बराबर है, तो a बाई थ्री मैं कॉमन ले लूं, तो क्या आ जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 और a से a कैंसिल, तो k इक्विवेलेंट इस पूरे का मैंने k नोट मान लिया, तो k नोट इज इक्वल टू कितना हो गया k1 प्लस k2 प्लस k3 बाई थ्री। अब ये इसके साथ कौन सा डिवीजन बन गया, डिस्टेंस डिवीजन, और डिस्टेंस डिवीजन में हम लोग कहते हैं d अपॉन k, और ये पूरे सिस्टम का k कह रहा हूं इक्विवेलेंट। तो देखो अब d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2, तो d1 एक्चुअली है क्या, ये डिस्टेंस पूरी d है, d बाई 2 है ना, d1 भी d बाई 2 है, d2 भी d बाई 2 है, तो ऐसी स्थिति में इसको अपन सीधे कर सकते हैं ना, तो d बाई 2 अपॉन इसका कह दूं कितना k नॉट प्लस d बाई 2 अपॉन के फोर। यहां डी को अपन कॉमन लेंगे तो डी से डी तो कट जाएगा, वन बाई टू भी यहां से बाहर आ जाएगा, तो इसको ऐसे कर दूंगा वन बाई टू इंटू अंदर हमारे पास है वन अपॉन के नोट, पर के नोट की वैल्यू कितनी थी, के नोट की वैल्यू हमारे पास है के वन प्लस के टू के थ्री अपॉन थ्री, तो देखो इसको यही लिख रहा हूं के वन प्लस के टू प्लस के थ्री बाई थ्री, थ्री को ले जाए ऊपर, ये हो गया प्लस का वन बाई के फोर। राजी तो इस तरह से सोल्व करते हैं, आंसर ही फाइनली अपने को दिखाई देता है। इस टू को अपन यहां ले लें, तो टू अपॉन डी सब यहां से कैंसिल हो चुका है, डी में यहां से, तो डी को अगर मैं यहां लिख भी रहा हूं तो डी को यहां से कर दो कैंसिल, तो वन अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू ये है, इस दो को यहां से ऊपर ले, तो क्या बचेगा दो बाई के इक्विवेलेंट, दो बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू थ्री अपॉन के वन प्लस के टू
प्लस के थ्री और प्लस का वन अपॉन के फोर। तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड। बढ़े आगे, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है ग्राफ का। तो यहां देखो दो प्लेटें हैं ये, तो ग्राफ में इसका यही आपको समझा देता हूं। ये प्लस प्लेट है, माइनस से प्लस से माइनस तक चलते हैं तो ई घटता है। ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम यहां, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये तीनों एयर है और एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो मीडियम होता है वहां होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर हमेशा एक से बड़ा होता है तो ई कैसा होगा? डिक्रीज। अब देखो ये वाला मीडियम है ना, फर्स्ट वाला के वन, के वन में इसको अपन के वन कर देते हैं, यहां ई टू। तो इस फर्स्ट वाले मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं है ना, जैसे इसको तो मैंने मान लिया ई नॉट, इसको ले रहा हूं ई वन। ई वन है कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के वन, ठीक है। ई टू इस वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के टू। क्वेश्चन कह रहा है के टू बड़ा है, जितना के टू बड़ा ई टू उतना छोटा है। तो इस वाले भाग का ई, इस वाले भाग का ई, तीन भाग का तो ई कॉन्स्टेंट है ना। अगर ग्राफ अपन यहां शो करेंगे तो ग्राफ, अगर आप यहां शो करेंगे तो जैसे ये, अगर इसको मैं फ्री स्पेस का ई कांस्टेंट मान लूं ना, ये ई वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है, तो फ्री स्पेस इन तीनों पार्ट का तो ई है फिक्स। अब माध्यम में ई घटता है यानी ई कम हो गया, परंतु यहां के बड़ा है के टू, इसलिए इसका तो और कम है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, पहले फ्री स्पेस में कॉन्स्टेंट है, फिर ये मीडियम में जाते ही घट गया, फिर वापस उतना ही हो गया, फिर ये और ज्यादा घट गया। जितना के टू बड़ा होगा ई उतना ही कैसा कम होगा। तो ग्राफ इस तरह से आपका बन जाए, उल्टा होता ना ऐसा कि के वन के टू से बड़ा है तो इस ये उत कम होता और ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाती। ओके, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन को हमने, चलो आंसर का मैच करते हैं। तो आंसर हमको मिल रहा है थर्ड, ठीक है जी। तो आप निश्चित रूप से इन क्वेश्चंस को ठीक तरह से अगर पढ़ेंगे और साथ के फॉर्मूले जो चार पांच हैं उनको ठीक तरह से आप याद करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे और इसका आप फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी।